उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की लड़ाई अब पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी लड़ेंगे। बता दें, हरिद्वार पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने बर्खास्त कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार 2028 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को वापस ले, नहीं तो वे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कर्मचारी को बर्खास्त कर सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की जीत निश्चित है। 1 से 2015 तक कर दी और बिना कारण 2016 के बाद सबको रद्द किया है। ये हमारे संविधान की धारा 15, 14 आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ उसका उल्लंघन करता है। 1 से 2015